चलिए करते हैं पार्ट टू शुरू। और मेरी गुजारिश है आप सबसे कि प्लीज़ इस ब्लॉग को भी, जैसे आपने पिछले ब्लॉग को प्यार दिया, इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। अब जा रहे हैं हम लोग ऊपर मंदिर में मत्था टेकने के लिए। वहाँ की शायद वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मम्मी के लिए प्रसाद लाई हूँ मैं। और पेड़ दिख रही है, ये पलम का पेड़ है और ये है नाशपाती का पेड़ साथ में। रास्ते में बहुत थे ये नाशपाती पलम के पेड़, हम बचपन में खाया करते थे पेड़ों पे चढ़ चढ़ के। ये देखो है ना, ये इस जगह जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत आपको कहीं मिलेगा ऐसी जगह। देखो जहाँ पे फूलों की एकदम सेज बिछी हो, ये देखिए ये है पलम का पेड़। ये जितनी भी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, ये सब बाहर से लाई गई है मूर्तियाँ। ऐसा लग रहा है क्या लगी हुई है ये? हाँ, हम लोगों को तो ऐसा। सो गाइज, ऐसा माना जाता है कि ये जो सूर्य देव और शनि देव का रथ है, इसके अगर नीचे से निकल कर जाओ तो कहते हैं कुछ ग्रह वगैरह कट जाते हैं, कुछ ऐसा मानना है यहाँ का। नाम है अश्विनी खड, इसको अश्विनी खड के नाम से जाना जाता है, आप नेट पे सर्च कर लेना। और अद्भुत मंदिर है ये, अद्भुत मंदिर। आप यहाँ पे सच्चे मन से कुछ भी मांगोगे ना, वो आपकी जरूर पूरी होगी, देखना आप। गाइस, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि शायद ही आपको इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत नज़ारा दिखेगा दुनिया में, क्योंकि ये अद्भुत मंदिर है। और यहाँ पे जो नेचर का जो आनंद है, वो आप बहुत ज़्यादा उठा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पलम का पेड़ है, अभी लगे नहीं है, छोटे छोटे लगे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रहा है, ये देखो पलम लगे हैं छोटे छोटे, ये देखो। बचपन की याद आ रही, हम लोग इसी तरह से पलम
खाया करते थे स्कूल से आते वक्त तोड़ के। ओ आगे तक है मंदिर। मम्मी भी घर पे अकेले तो हमें जल्दी जाना भी है घर, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखा पा रही हूँ। तो गाइस ये है यहाँ का पार्किंग एरिया जहाँ पे आप गाड़ी कोई भी व्हीकल लेकर आ रहे हो तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और ये नीचे है, आप यहाँ पे जैसे कैंटीन वगैरह है, रेस्टोरेंट है, ये यहाँ पे कोई भी फूड एंजॉय कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे। क्या कह रहा? हाँ ये बोल रहा कि मेरे को भी दिखाओ कैमरे में, ऐसे तो भागता रहता कैमरे से। बोल क्या बोल रहा है। तो अभी आप लोग भी घूमने जा रहे हो? वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस, योगा गाइस, योग राजू। अब तो पैदल पैदल ही यूट्यूबर हो? हाँ। चैनल नेम बता। सिरमौर से हो? नहीं सोलन से है। चैनल नेम क्या है? शुल्ली प्रीति ब्लॉग। ब्लॉग में लाना बिग फैन यार। बोल बोल तो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। यहाँ पे गाइस रुके हम, मंदिर के साथ ही है ये दुकान नीचे, और यहाँ पे भैया को चाय का ऑर्डर दिया है। Of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. ये लीजिए, आप भी चाय का आनंद लीजिए ऐसे व्यू में, और यहाँ पे मंदिर के साथ। तो गाइस ये है तिरुमल का पेड़, ये देख सकते हैं आप। हैं? कद्दू नहीं खाना ना। ये है तिरुमल, और ये भैया यहाँ पे गांव की सब्जियां बेचते अपने घर की। देखिए देखो आप कितनी जन्नत में इनका घर यार, सच में बहुत जन्नत में इनका घर। चारों तरफ नेचर ही नेचर है। Thank you.
से जाने का यार बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। और अंदर मैं मंदिर की आपको बना नहीं सकी क्योंकि अंदर मंदिर में अलाउ नहीं था, वो पहले मना कर देते कि कैमरे जो है वो और फोन जो है वो बंद कर दो अंदर से। मतलब मंदिर इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि आपने जैसे पुराने समय में देखे होंगे कि जैसे राजे महाराजों के जो महल होते थे अंदर से, उतना बड़ा मंदिर है। मतलब अंदर हर एक देवी देवता की जो है बड़ी बड़ी सारी मूर्तियां लगी हुई है अंदर से, इतना खूबसूरत संगमरमर की, हाँ उसका बना हुआ है ये मंदिर अंदर से, पूरा मंदिर उसी का ही बना हुआ है और नौ ग्रह जो पूजे गए हैं यहाँ पे। और मतलब अंदर से जो मंदिर की खूबसूरती है वो मैं आपको बता नहीं सकती, शायद अंदर जो बड़ी सारी मूर्ति है ना, जो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे गोल्ड की मूर्ति है वो, तो वो शायद माँ वैष्णो देवी की है। और जो मेन यहाँ पे जो मेन मूर्ति है वो वैष्णो देवी की है शायद से, मुझे ऐसे पक्का पता नहीं है, बस लिखा हुआ था वहाँ शायद माँ वैष्णो देवी। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब हम भी काफ़ी दिन बाद आउटडोर आए हैं मेहर भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यार आकर। और नेचर को हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्जॉय किया कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती, मन एकदम अंदर से शांत हो गया है। और जो यहाँ पे मतलब लोकल फूड है वो भी आप इन्जॉय कर सकते हो आकर। अगर आप जैसे कालका या दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह यहाँ नीचे की तरफ से आ रहे हो तो पहले आपको सोलन ही आना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप शिमला रोड पर आके ये एक रोड यहाँ नीचे के लिए कटा है, आपको पता चल जाएगा मैप पे, देख लेना आप गूगल मैप पे तो पता चल जाएगा। लेकिन आप इस मंदिर जैसा खूबसूरत मंदिर कहीं नहीं होगा, मतलब इतनी खूबसूरत जगह है ये, रास्ते में आते आते आपको इतना नेचर मतलब इन्जॉय करने के लिए मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये तो। और दूसरी बात की अगर आप कोई भी स्कूटी या बाइक से आ रहे तो प्लीज़ हेलमेट का जरूर वो करें, क्योंकि बिना हेलमेट पहने ना सफ़र करें, क्योंकि रोड जो है बहुत कंजस्टेड है और छोटे छोटे रोड है, वन वे है ये रोड, और इसलिए कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हेलमेट जरूर पहने और बिना हेलमेट पहने सफ़र ना करें। और अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो सीट बेल्ट लगाना ना भूलें, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि किस तरह के रोड है। तो ठीक है, फिर अब आपसे डायरेक्ट घर जाके मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये आप नीचे मंदिर देख रहे हो, यहाँ पे शिवरात्रि को भंडारा होता है और यहाँ पे एक खुफिया गुफा है। डर गए? नहीं ऐसे नहीं कर। तो गाइज हम लोग घर पहुंच गए थे और मम्मी का जो रिएक्शन था बहुत ही बुरा था, मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा किया मम्मी ने हम पर कि हम थोड़े से लेट हो गए थे और भाई इतनी दूर क्यों गए, मेरे को भी साथ ले जाते। आपको बताइए कि स्कूटी पे तीन तीन तो नहीं आते और ना ही अलाउ होता, चलान हो जाता मेरा। तो आई होप कि आपको आज का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारी ज़िंदगी है। आपको देखो मैंने इतना अच्छा व्यू दिखाया है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आप लोग भी हमेशा खुश रहें, यही पे।